अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वार्मली वेलकम यू ऑल एट बिहाफ ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड आवर स्लोगन इज गेट रेडी फॉर नेक्स्ट जर्नी। जी बच्चों, हमारा आज का मज़मून है उर्दू और उनवान है हर्फ जे की पहचान। आप लोग हरूफ तहजी में बे का ख़ानदान पढ़ चुके हैं, आज हम जीम के ख़ानदान में हर्फ जे को लिखना सीखेंगे और इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके नेम जे से स्टार्ट होते हैं। जी बच्चों, चेचा चाबी और चेचा च्यूंटी। तो आज हम हर्फ जे को लिखना सीखेंगे। ये क्या है? अरे ये तो वही है चीम की तरह, ये तो पानी का जग है, बट इसमें किसी ने बर्फ के तीन टुकड़े डाल दिए हैं। ऐसे ही है? नहीं, ये तो जे है, ये जीम का बेस्ट फ्रेंड है, मगर इसके अंदर तीन नुक्ते आते हैं और ये जे की पूरी शक्ल है और इसके अंदर तीन नुक्ते होते हैं। अब हम देखते हैं कि जे की आधी शक्ल कैसे होती है। जी बच्चों, जे की आधी शक्ल ऐसी होती है और इसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं और इसकी आवाज़ क्या है? इसकी आवाज़ है चा चा चा। जी तो अब हम देखेंगे कि चे की आधी शक्ल किन अल्फाज में आती है। चे चा चाबी और चे चा चांद। ओह, इट्स वेरी इजी, ये तो हमें पता चल रहा है कि चाबी और चांद में चे किधर है। तो अब हम चे की आधी शक्ल को लिखना सीखेंगे और इसकी पहचान करेंगे। जी अब हम इन डॉट्स को ट्रेस करेंगे और इसके नीचे तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी? जे की आधी शक्ल और इसकी आवाज़ है चा चा। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करें। यहाँ आप लोगों ने जे को ट्रेस करना है और राइट करना है और नीचे जो चीज़ें दी गई हैं उनमें देखना है कि जिन चीज़ों के नेम जे से स्टार्ट होते हैं उन पे दायरा लगाना है और उनमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।